तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का सिविक्स का चैप्टर सिक्स, ठीक है, जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्लास सिक्स का सिविक्स का चैप्टर यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या होता है? रूरल यानी कि गाँव, यानी कि देहात, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन, ठीक है। वहाँ के जो कानून है वो क्या है और कैसे चलते हैं सारे कानून, जैसे किसी को दंगा या कंप्लेन वगैरह कराना रहता है, ठीक है, तो कैसे मतलब पुलिस उसमें काम करती है, पुलिस क्या होता है, ठीक है, कानून क्या होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देहाती शासन प्रबंध, जो गांव में, जो शहर में, छोटे छोटे टाउन्स में जो शासन होते हैं, जो कानून वगैरह होती है, उन्हीं को हमको देखना है। इसमें कह रहा है कि हमने इंट्रोडक्शन में देखते हैं, कह रहा है कि इसमें हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे तीन टायर सिस्टम होते थे, ठीक है, पंचायती राज, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, और लास्ट है जिला परिषद। यानी कि ये चार तीन होते हैं जिसकी वजह से पूरा देश जो है चलता है, ठीक है। गांव में क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम होता है जिसमें ग्राम पंचायत होते हैं, ठीक है। फिर पंचायत समिति होती है जिसमें मतलब कई सारे गांव मिलकर एक पंचायत समिति बनाती है, फिर कई सारे पंचायत मिलकर जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब ने हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। हमने जाना कि इंडिया में 28 राज्य हैं, ठीक है, या हम जानते हैं, अगर आपको मालूम होगा, ठीक है, नहीं मालूम होगा तो देख लीजिए। तो इंडिया में लगभग 28 स्टेट हैं, यानी कि 28 राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि छोटे छोटे समूह, यानी कि जैसे लक्ष्मण एंड अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, दादर हो गया, इस तरीके से कई सारे टेरिटरीज हैं जिसमें 8 आते हैं हमारे देश में, ठीक है। ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, कह रहा जितने भी राज्य हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, वो क्या है, डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि जिला में डिवाइडेड है। एज़ पर 2011 सेंसस, मतलब कि 11 के सेंसस, यानी कि 11 के हिसाब से देखें, जब 11 में गणना हुई थी, जनगणना, उसके हिसाब से देखें तो हमारा देश जो है 640 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पूरे भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 640, और 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य हैं, 28 में से 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, अब बढ़ गए हैं, ठीक है, क्योंकि जो पहले यूनियन टेरिटरीज 8 थे, लेकिन नंबर गए हैं, कश्मीर में कुछ ऐसा मतलब अलग अलग हुआ है, जम्मू अलग हुआ है, कश्मीर अलग हुआ है, ठीक है, इसके वजह से यूनियन टेरिटरीज भर गए हैं, यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा नेट पे। तो ये है, कह रहा है कि 640 जिले हैं पूरे राज्य में 2011 के सेंसस के। तो आपको लेटेस्ट नहीं पूछेगा, आपको जो किताब में दिया है वही आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 8 दिया है तो आपसे अगर 11 या 9 लिख दिए तो गलत हो जाएगा, नहीं, अगर आपकी किताब में 8 दिया है तो 8 लिखिएगा, 9 दिया है तो 9 लिखिएगा। यूनियन टेरिटरीज की मैं बात कर रहा हूँ, राज्य 28 हैं, ठीक है, इसमें से 640 डिस्ट्रिक्ट हैं और 5767 तहसील्स हैं, जिससे गांव में नहीं होता है, जो जिले में तहसील होते हैं, जहाँ पर कागज़ वगैरह बनते हैं वहाँ पर। तो पूरे भारत में कितने हैं, 5767, यानी कि 5767 तहसील्स एंड 7933 टाउन्स हैं, यानी कि छोटे छोटे चौराहे हैं, शहर कह सकते हैं छोटे छोटे, जैसे 7933। कह रहा है डिस्ट्रिक्ट और जिला, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को ही तो जिला बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि शासन प्रबंध में। तो कोई भी जिसका होता है ना एक पुलिस स्टेशन, तो कहाँ पर होता है, जिले में ही होता है, तो वहाँ पर जाकर हम लोग कंप्लेंट वगैरह कराते हैं और कुछ प्रॉब्लम रहता है तो। नहीं, कह रहा है कि जिला में जो जिला होता है, जो गाँव के जिले होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इन सब डिवीज़न के लिए, यानी कि गाँव के लिए। सब डिवीज़न्स आर ऑल्सो नोन एज, जो सब डिवीज़न्स हैं उनको तहसील भी कहा जाता है, तालुका भी कहा जाता है, ठीक है। द सब डिवीज़न इज फर्दर डिवाइडेड इंटू ब्लॉक्स एंड अ ब्लॉक इंटू विलेज, कह रहा है ये जो तहसील और तालुका हैं इनको भी डिवाइड किया गया और छोटे पार्ट्स में, जिसको ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है, फिर ब्लॉक को भी डिवाइड किया गया और छोटे पार्ट्स में, यानी कि विलेजेस में। तो इन्हीं सबको हमको देखना है, क्या देखना है, तहसील देखेंगे हम, तालुका देखेंगे, ठीक है, ब्लॉक देखेंगे और विलेज देखेंगे। तो यहाँ पे जो कानून वगैरह होते हैं ये सब हम देखेंगे, और हमने क्या देख चुका है पिछले चैप्टर में, डिस्ट्रिक्ट देखा है और गाँव के जो चुनाव वगैरह होते हैं उनको हमने देखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो जिला में प्रबंध शासन है वो कैसा है, मतलब किस तरीके से होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखते हैं। तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एक, उस जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम यानी कि DM कहते हैं, नहीं कहते हैं कि DM का ऑर्डर है छुट्टी है, तो एक हर जिले में, जितने भी जिले होते हैं, हर जिले में एक DM होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसका फुल फॉर्म। कह रहा है वो सबसे बड़ा ऑफिसर रहता है उस जिले का, यानी कि जितने भी उससे गाँव कनेक्टेड रहते हैं उस जिले से, उस गांव में और उस जिले में सबसे बड़ा ऑफिसर कौन रहता है, DM रहता है, ठीक है, यही उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वही जो है उस डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, कौन, DM, ठीक है। कह रहा ही और सी, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है और पुरुष यानी कि स्त्री भी हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है, उसको डिप्यूटी कमिश्नर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, DC, यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट,
या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, कहीं नहीं कहते हैं मूवी में कलेक्टर साहब आए हैं, तो एक तरह से डीएम साहब कहते हैं कि डीएम साहब आए हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्यूटी कमिश्नर या डीएम, तीनों एक होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहें हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक, कलेक्टर दो, कमिश्नर तीन, मतलब तीन नाम एक ही पर्सन के हैं जिसको डीएम कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ये बैठे हैं, ठीक है। तो डीएम काफ़ी बड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि चलाते हैं। ही और सी जनरली कम्स फ्रॉम द इंडियन कम्युनिस्टिटिव सर्विस, यानी कि वो कहाँ से आते हैं, वैसे नहीं कि पाँच साल के लिए पार्टी का चुनाव लड़के आ गए, नहीं, वो एग्ज़ाम दे के आते हैं, जो कि एग्ज़ाम का नाम होता है IAS, ठीक है। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि मैं IAS बनूंगा, तो अगर आप लोग एसएसटी सही से पढ़ते हैं, मतलब लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं क्या होता है हर एक चीज़ उसको जानते हैं, तो आप IAS बन सकते हैं, क्योंकि यही सब आता है IAS में, ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, यही सब आता है। कह रहा है IAS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय शासन सर्विस, जो भारतीय शासन देता है, यानी कि कानून वगैरह लागू करते हैं, यही लोग फॉलो करवाते हैं, कौन, IAS, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में हेड होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज अ सेट ऑफिसर टू असिस्ट हिम और हर ऑफिशियल वर्क, जो DS यानी कि जो DM होते हैं, कलेक्टर होते हैं या डिप्यूटी कमिश्नर होते हैं, क्या करते हैं, ऑफिसर को तैनात करते हैं, ताकि वो उनको जो काम है, एक ही आदमी तो हर जगह हो नहीं सकता, इसलिए जो DM होते हैं अलग अलग ऑफिसर को, इस जैसे SI को, दरोगा को, तो अलग अलग शहरों में भेजते हैं, ठीक है, अलग अलग गाँव में भेजते हैं, अलग अलग टाउन्स में भेजते हैं, तो जाके अपना काम करिए और हमें अपडेट देखिए, जैसे जैसे अपडेट देते हैं लोग, वैसे वैसे ये DM अपना काम करते हैं। अब आते हैं फंक्शन, यानी कि ये कार्य क्या करते हैं, कौन DM या कलेक्टर कार्य काम क्या, कौन से काम करते हैं, तो देखते हैं। पहला काम इनका मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लॉ रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी कि जो ज़मीनें के कागज़ रहती हैं, जब से गांव नहीं होता है कि कई सारी ज़मीन होती हैं, तो हर ज़मीन के कागज़ इनके पास होता है, इनके पास कलेक्टर या DM के पास, और ये उसको जो लैंड का रिवेन्यू यानी कि जो टैक्स आते हैं यही कलेक्ट करते हैं, मतलब कलेक्ट ये करने ही जाते हैं, इनके ऑफिशियल करने, यानी कि इनके ऑफिसर करने जाते हैं उस कलेक्ट को टैक्स करने, लेकिन और ला के इनको दे देते हैं, किनको, DM को, और DM क्या करते हैं, गवर्नमेंट को भेज देते हैं, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया, हो सकता है आए कि DM क्या होते हैं, तो अब बता देंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि IAS का एग्ज़ाम दे के आते हैं। इनका फंक्शन क्या है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड रखना और रेवेन्यू को कलेक्ट करना। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटी टू द पीपल, यानी कि लोगों को, जहाँ के नागरिक हैं उनको आराम प्रोवाइड करना, यानी कि उनके अंदर पीस प्रोवाइड करना, जब झगड़ा वगैरह होता है तो उसको सॉल्व करवाना इनका काम रहता है। मॉनिटरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो गांव या टाउन्स पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो सड़कें बन रही होती हैं, उनको इनको देखना होता है कि ये सड़कें बन रही हैं या रुकी हुई हैं, किस तरह से खराब बन रही है कि सही बन रही है, तो इनका ये काम होता है, इनका DM का। सुपरवाइजिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो संस्था रहता है हर गाँव में, नहीं होता है एक पंचायत रहता है जहाँ पे ये लोग प्रधान वगैरह पे मतलब डिस्कस करते हैं, ये वहाँ पे भी जाके ये लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। जैसे एक वेब सीरीज है करके, पंचायत करके है, उसमें अच्छे से दिखाया गया है कि DM वगैरह क्या होता है, प्रधान क्या होता है, ठीक है, सचिव क्या होते हैं, तो उसमें अच्छे से दिखाया गया है, तो टाइम मिले तो आप लोग उसको देखिएगा, अच्छा है, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वही कह रहा है कि ये सुपरवाइज करते हैं, यानी कि जो गाँव के प्रधान होते हैं उनको भी जाकर ये क्या करते हैं, देख रेख करते हैं कि प्रधान अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर सिचुएशन, यानी जो DM या कलेक्टर होते हैं, जब गवर्नमेंट से कोई मतलब जैसे क्या हुआ, गांव में कोई बाढ़ आ गया, डिजास्टर आ गया, मतलब कुछ आ गया था जिससे वजह से गांव में काफ़ी तबाही मचती है, तो गांव में सरकार पैसा देती है कि आप लोग अच्छे से मतलब फिर सही हो जाइए, तो उस पैसों को कौन देता है, DM जो है बांटता है पूरे गाँव में, कि हर किसान को कौन देता है, प्रोवाइड करता है, DM यानी कि कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर, ये उसका काम होता है। अब और अच्छे से देखते हैं इसको, जो हमने पढ़ा है अभी उसके बारे में, पूरा क्या होता है, कैसे काम होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन चार्ट दिया है, अब किताब में हो सकता है दिया हो, नहीं दिया हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है कि कैसे DM काम करता है, कैसे पूरे जिले को, आप जिले के गांवों को मतलब क्या करता है, कंट्रोल करता है और लोगों को रिलीफ यानी कि आराम देता है, कैसे आराम देता है देखते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तीन काम होता है। सबसे पहला काम होता है कि मेंटेनेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो कानून वगैरह है उसको इसको मेंटेन करना होता है, यानी कि कानून के अंदर यानी कानून के दायरे में रहकर इसको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि जो कानून बने रहते हैं उनको ये मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, यानी कि टैक्सेस जो आती हैं, यानी कि जो टैक्स आता है लोगों के, ये उसको रखता है और सरकार को बेचता है, और क्या करता है, वहाँ की जो ज़मीनें रहती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ज़मीनें, कागजात रहती हैं, पेपर रहते हैं, इनको ये संभाल के रखता है, कौन, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। थर्ड पॉइंट क्या करता है, ये इसका मेन काम क्या है, सिविक एमिनिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि लोगों को क्या करता है, राहत पहुँचाता है, और डेवलपमेंट जो होता है, सड़कें वगैरह बनती हैं, स्कूल बनते हैं, तो उसमें ये जाके क्या करता है, देख रेख करता है, कहीं गलत नहीं हो रहा, कहीं प्रधान पैसा तो नहीं
छुपा रहा है, ऐसे मतलब 10 लाख आया और तो इस तरीके से देखते हैं। तो पहला आता है मेंटेनेंस लॉयड ऑनर। इसमें डीएम क्या करता है, पहली बार तो सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज करता है, यानी कि ऑफिसर मतलब को तैनात करता है कि देखिए क्या। दो तरह के ऑफिसर होते हैं, एक होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी होते हैं, और दूसरा होता है जेलर यानी कि जो जेल वगैरह में देखते रहते हैं, जो कैदी नहीं होते हैं जेल में उनको ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कैदी भाग नहीं रहा है, मतलब सही से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। फिर आते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट यानी कि डिप्यूटी एसपी, यानी कि थोड़ा इनसे ये बड़े आते हैं, ठीक है। फिर आता है इंस्पेक्टर ऑफ स्टेशन, यानी कि जो स्टेशन होता है उनका ये हाउस मतलब उनका इंचार्ज रहता है। जैसे नहीं होता है एक पुलिस स्टेशन होता है तो उसका मेन इंचार्ज कौन होता है, ये सचो यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं सब इंस्पेक्टर, यानी कि थोड़ा इनसे नीचे होते हैं, जिसे एसआई भी कहते हैं, ठीक है, नहीं कहते हैं दरोगा, तो सब इंस्पेक्टर को कहते हैं। फिर आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो दरोगा के साथ रहते हैं एक स्टार वाले, उनको क्या कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जैसे देखते होंगे जब दरोगा आता होगा तो उसके साथ भी ऐसे ऑफिसर आते होंगे जिनके पास एक स्टार रहता होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेड कांस्टेबल, यानी कि उस थाने के जो अगल बगल मतलब छोटे ऑफिसर रहते हैं उनको हेड कांस्टेबल कहा जाता है। फिर कांस्टेबल आते हैं यानी कि जो डंडा लेकर नहीं खड़ा रहते हैं ऑफिसर, वो उनको कहते हैं। फिर आते हैं चौकीदार, यानी कि जो चपरासी वगैरह होते हैं उनको चौकीदार कहा जाता है, ठीक है। अब आता है मेंटेनेंस लॉ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, कैसे होता है, इसके लिए भी एक ऑफिसर को इंचार्ज किया जाता है, यानी कि एक ऑफिसर को तैनात किया जाता है। कहाँ पर, तहसीलदार जो है इसको मतलब तहसीलदार को वो ऑफिसर देखता है। तहसीलदार क्या करता है, नई तहसीलदार को देखता है, ठीक है। नई तहसीलदार कहता है कानूनगो, यानी कि जो गांव में कानूनगो होते हैं नेपाल वगैरह होते हैं उनको ये देखता है। फिर कानूनगो जो होते हैं पटवारी जो होते हैं एक तरह से, जो कागज वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से क्या होता है पूरा मतलब लैंड रिकॉर्ड जो है गाँव का लेखपाल के पास जाता है। जो मतलब जैसे आप गाँव में रहते हैं, ठीक है, आपका जमान जो कागज रहेगा जमीन का किसके पास जाएगा, लेखपाल यानी कि पटवारी के पास। पटवारी भेजेगा कानूनगो के पास, कानूनगो भेजेगा तहसीलदार के पास, तहसीलदार भेजेगा अपन तहसीलदार के पास, ठीक है, यानी कि अपने मालिक के पास। वो मालिक भेजेगा अपने इंचार्ज के पास जिसके डीएम ने अपॉइंट किया है, ठीक है। ये इंचार्ज भेजेगा डीएम के पास, डीएम क्या करेगा उस कागज को संभाल के रखेगा। तो ये काम हो गया लैंड रिकॉर्ड का। थर्ड आता है इन लोगों को क्या देना, राहत देना। तो उसके लिए भी ऑफिसर इंचार्ज किए जाते हैं, यानी कि ऑफिसर तैनात किए जाते हैं। इस तरीके से ऑफिसर होते हैं, पहला आता है डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि एक तरह का डॉक्टर। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, मतलब कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल रहते हैं, सरकारी स्कूलें रहती हैं, उनको देखने के लिए एक ऑफिसर तैनात किया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जितने प्लान चल रहे होते हैं ना कि रोड बनेंगे सड़कें बनेंगे, उनको देखने के लिए एक ऑफिसर तैनात की जाती है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर जो रहते हैं जिनको जो ये बिल्डिंग वगैरह या जमीन वगैरह या रोड्स वगैरह बनवाते हैं, उनके लिए एक इंजीनियर को तैनात किया जाता है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि गाँव के जो चुनाव वगैरह होते हैं या जो डिस्कशन होती है या पंचायत जो होता है गांव में, उनको देखने के लिए भी एक सुपरवाइजर रखा जाता है। इस तरीके से डीएम इतने सारे ऑफिसर को तैनात करता है ताकि वो सारा काम अच्छे से हो सके उस पूरे टाउन या गांव में। तो इस तरीके से डीएम अपना काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है द ऑफिस ऑफ एसएचओ और पुलिस स्टेशन, यानी कि एसएचओ मतलब कि यहाँ पर थाना स्टेशन हाउस ऑफ ऑफिसर, यानी कि जो थाना रहता है उसका इंचार्ज रहता है। तो जो थाने का इंचार्ज रहता है काम क्या होता है उसको, उसका भी काम यही होता है कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि कानून को और ऑर्डर को, यानी ऊपर से जो ऑर्डर रहते हैं उसको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। ये ऑफिसर इंचार्ज तैनात किया जाता है एसपी, यानी कि जो एसपी होते हैं, नहीं कहते हैं कि एसपी साहब आ रहे हैं, तो यही होते हैं एसएचओ, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंडर में सारे जो पुलिस होते हैं, इनके छोटे छोटे एसआई वगैरह इनके अंडर में आते हैं। उनका काम क्या रहता है, वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जितने भी पुलिस रहते हैं इनका सबका काम वही रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएँ। जो एसएचओ रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन करते हैं, जो एसआई रहते हैं वो टाउन टाउन पे मेंटेन करते हैं, और ठीक जो चौकीदार होते हैं यानी कि जो हवलदार होते हैं कॉन्स्टेबल होते हैं उन एसआई के साथ रहते हैं ताकि उनको मदद कर सकें। इस तरीके से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और कह रहा है कि हर एक थाना में लगभग 5 से 10 पुलिस वाले रहते हैं, जिसमें से एक एसआई रहता है, एक एसपी रहता है, और बाकी कुछ जो है चौकीदार या हेड कांस्टेबल या इंस्पेक्टर वगैरह रहते हैं थाना में, ठीक है। इस तरीके से सुपरिटेंडेंट एसपी यानी कि जो एसपी रहता है उस शहर का पुलिस स्टेशन को कंट्रोल करता है और लोगों के लिए क्या होता है, मतलब उनके लिए काम करता है। ही और सी जनरली बिलोंग टू द इंडियन पुलिस सर्विस। देखिए जितने भी ये ऑफिसर हैं, मतलब जितने भी अभी ऑफिसर देखे हैं एसपी एसआई एसएचओ डीएम, ये सारे क्या होने चाहिए, इंडिया को होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई ऑफिसर आके इंडिया को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ। वही कह रहा है कि जितने भी हैं ये बिलोंग करने चाहिए कहाँ से, इंडिया से, यानी कि इंडियन होने चाहिए, और ये आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से पास होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोजिशन ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है। द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर और द दरोगा, जैसे दरोगा नहीं कहते हैं, इसमें दरोगा लिखा है, जैसे क्या कहते हैं, दरोगा कहते हैं।
इन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि हर एक थाना का एक इंचार्ज होता है जिसे हम दरोगा कहते हैं, ठीक है। और सारे स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? एसपी, ठीक है। इसलिए एसपी को थोड़ा ज़्यादा भाव दिया जाता है। और एसपी से ऊपर कौन होता है? डीएम, ठीक है। डीएम के नीचे एसपी, एसपी के नीचे दरोगा, तो दरोगा के नीचे सब दरोगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर, यानी कि असिस्टेंट ऑफ एसआई, सब इंस्पेक्टर। देखो यहाँ दिया है, सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार वर्क अंडर द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, द चौकीदार इज डिप्यूटेड इन ईच विलेज। कह रहा है हर गांव में एक चौकीदार होता है और हर गांव का एक थाना होता है। नहीं होता है कि तुम्हारा थाना कहाँ है तो पूछते ना कि तुम्हारा थाना कहाँ है या तुम्हारा पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो बताते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है। उस पुलिस स्टेशन में 5 से 10 ऑफिसर रहते हैं जिनका हेड रहता है कौन? सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई। उसके नीचे रहता है इंस्पेक्टर, उसके नीचे रहता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल और बाकी जगह चौकीदार। इस तरीके से पुलिस काम करता है अपना लोगों के लिए, कानून वगैरह बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया पुलिस स्टेशन, यानी कि हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया, फिक्स एरिया होता है। उस एरिया से वो बाहर नहीं जा सकते या उस एरिया के बाहर के लोग वहाँ पर एफआईआर नहीं करा सकते, ठीक है। मदद ले सकते हैं वैसे, लेकिन एफआईआर नहीं करा सकते। तो क्या होता है देखते हैं कि कह रहा है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक उसका फिक्स एरिया होता है, डिफाइन एरिया होता है, जैसे कि उसके कंट्रोल में आता है। जैसे कि जैसे आपका जो थाना होगा उस थाने के अंडर कुछ गांव आते होंगे, 5-6 गांव, तो बस 5-6 गांव ही होंगे जिसको वो कंट्रोल कर पाएगा। कौन? वो थाना, यानी कि पुलिस स्टेशन। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, यानी कि कोई भी अगर दंगा होता है या झगड़ा होता है, तो पीपल का पूरा हक होता है कि वो जाके पुलिस स्टेशन में, अपने पुलिस स्टेशन में वो जाके क्या करवाएं, रिपोर्ट करवाएं, अपनी शिकायत करवाएं, यानी कि शिकायत दर्ज करवाएं अपने पुलिस स्टेशन में जाके। जिसकी वजह से कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, जाके इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को या रिपोर्ट करवा सकता है अपने पुलिस स्टेशन में। किसके बारे में? चोरी के बारे में। जैसे कोई चोरी हुआ है तो अपने पुलिस स्टेशन के बारे में जाके बता सकता है कि यहाँ पर चोरी हुआ है, यहाँ पर मर्डर हुआ या एक्सीडेंट हुआ या इंजरी या फाइल, लोग झगड़ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है इंसान जो पर्सन रहते हैं उस गांव के, अपने पुलिस स्टेशन में जाके केस है या एफआईआर करा सकते हैं। जिसकी वजह से जो पुलिस होगी, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस केस पे वो काम करे और इन्वेस्टिगेट करके जो है एक्शन, मतलब कि रिजल्ट सामने लाए लोगों की कि ऐसा क्यों हुआ था और उसका जो कारण है, यानी कि जो उसका विक्टिम है ये है, इसकी वजह से काम हुआ था, ठीक है। तो वी कैन रजिस्टर अ केस ओनली इन दैट पुलिस स्टेशन इन वी हुज एरिया ऑफ कंट्रोल आवर विलेज, यानी कि कह रहा है कि हम लोग वहीं पर शिकायत या एफआईआर करा सकते हैं या केस दर्ज कर सकते हैं जहां पर हमारा पुलिस स्टेशन पड़ता हो, जो हमारे अंडर आता हो, ठीक है। तो वही पुलिस अपना काम कर पाएगी। बाकी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं, यानी कि दूसरे जगह जाते हैं, तो पुलिस आपकी बस ओरली मदद कर पाएगी, एफआईआर नहीं लिखेगी वो, ठीक है। तो ये होता है पुलिस एरिया। अब आते हैं फंक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि जो पुलिस स्टेशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि उसका कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य देखते हैं, तो पहला पॉइंट कहता है, जो पहला फंक्शन है पुलिस का, कह रहा है कि हर पुलिस का, यानी कि हर थाने का ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने एरिया के लोगों का केस दर्ज करें, ठीक है, और उनका इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि जांच पड़ताल करें, और दे टेक एक्शन ऑन ऑल केसेस, यानी कि हर तरह के केस को वो क्या कर सकते हैं, जाँच पड़ताल कर सकते हैं और उसका निवारण निकाल सकते हैं, यानी कि रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मतलब ये पहला काम हो गया पुलिस का कि अपने एरिया के लोगों को जो शिकायतें हैं उनको दर्ज करें और उनका इन्वेस्टिगेट करें, यानी कि जांच पड़ताल करके उनको रिजल्ट दे। तो ये पहला काम हो गया पुलिस स्टेशन का। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो पुलिस है, कह रहा है कई सारे स्टेप्स ले सकती है वो खुद से, क्या रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, क्राइम और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जब फेस्टिवल वगैरह आता है, त्यौहार वगैरह आते हैं, तो देखते हैं कई सारे भीड़ लग जाता है, कई सारे दंगे हो जाते हैं लोगों के बीच में। इन सब को रोकने के लिए पुलिस खुद से कुछ स्टेप ले सकती है, जैसे कि क्या कर सकती है, लाठीचार्ज कर सकती है या आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, ताकि लोग क्या हो सके, भाग सके और भीड़ जो है, यानी कॉन्फ्लिक्ट जो दंगे हैं वो कम हो सके। तो वही कह रहा है, द पुलिस टेक वेरियस स्टेप टू प्रिवेंट क्राइम एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर एरिया ड्यूरिंग फेस्टिवल, जब त्यौहार आते हैं तब, यानी कि पब्लिक मीटिंग्स जब होती हैं तो उनमें वो क्या करे, इन सबको कंट्रोल कर पाए। दे कीप अ विजिल ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, यानी कि वो क्या करते हैं, वो मतलब एक तरह से क्या कर सकते हैं, जब लोग मीटिंग करते हैं या जुलूस निकालते हैं किसी के खिलाफ, जैसे एंटी सोशल एलिमेंट, यानी कि जो बेफालतू के दंगे करते रहते हैं, उनको वो लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और ये गलत लगता है पुलिस को तो वो लोग क्या करेंगे, उनको जेल में बंद कर सकते हैं। तो ये पुलिस का हक बनता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। दे अरेस्ट द पर्सन हु हैव क्राइम बैकग्राउंड, यानी कि जो उसमें क्राइम कर रहा होगा, यानी कि जो मर्डर या चोरी कर रहा होगा, उसको लोग क्या करेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, और तब तक जेल में डालेंगे जब तक उसका एक रिजल्ट नहीं आ जाता कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया पुलिस का। ये कह रहा है कभी कभार क्या होता है कि जो धर्म होता है, धर्म के जुलूस जब नहीं निकलता है, हिंदू का जुलूस निकलता है, मुस्लिमों का जुलूस निकलता है, तो हर तरह से जुलूस निकलते हैं, ठीक है। तो उस जुलूस के कारण या उसके दंगे रैली के कारण क्या होता है, कभी कभार दंगा हो जाता है हिंदू और मुस्लिम में ज़्यादातर होता है, तो
उस दंगे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस क्या करती है, अपना एक प्रोसेशन लेती है, यानी कि चार्ज लेती है कि जो भी अगर ये दंगा करता पकड़ा गया उसको जेल में बंद कर देंगे और उसको सजा भी दी जाएगी, यानी कि पनिश भी की जाएगा। तो इस तरीके से पुलिस अपना काम करती है और सबको क्या करती है, एक राहत देती है अपने लॉ एंड ऑर्डर से, जिसकी वजह से सबको क्या होता है, क्या बोलते हैं कि सेफ महसूस होता है लोगों से, ताकि हम सेफ है क्योंकि हमारे साथ पुलिस खड़ी है। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। मतलब हर एक जगह पर कोई अगर वायलेंस होता है, यानी कि दंगे वगैरह होते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की होती है कि वो क्या करे, जाके उसको शांत कराए और उसका निवारण करे। ठीक है, ये पुलिस का वर्क फंक्शन है, यानी कि काम का करने का तरीका है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करती है तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा अपर, यानी कि DM साहब को। नेक्स्ट टॉपिक आता है द ऑफिस ऑफ तहसीलदार, यानी कि जो शहर में कह रहे हैं, जिला में नहीं होते हैं तहसीलदार, जो कागज़ वगैरह को देखते हैं, यानी कि जो उसके रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो देखते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो ज़मीन के कागजात रहते हैं वो तो तहसीलदार क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। कह रहा है कि जो इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन हो गया खेती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा क्या होती है, खेती होती है, हर चीज़ की, चावल की, गेहूँ की, दाल का, हर जगह का खेती होता है। तो वही कह रहा है कि जो भारत में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो खेती का है, इसलिए ज़मीन का कागजात रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक का। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के लेकर और ज़्यादा दंगे होते हैं इस भारत में। ठीक है, हमारे भारत में इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ मच लैंड इज ओन्ड बाई होम, ये बहुत ज़रूरी है तहसीलदार को जानना है या हर एक DM को जानना कि कौन सा ज़मीन किसका है, जिसके वजह से दंगे ना हो। ठीक है, ज़मीन के कारण ज़्यादा दंगे होते हैं। कह रहा कि लैंड रिकॉर्ड होना काफ़ी ज़रूरी है, और DM के लिए भी और तहसीलदार के लिए भी, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट होगा वो फार्मर से यानी कि किसानों से क्या लेगा, टैक्स ले पाएगा उनके ज़मीन के हिसाब से और उनके खेतों के हिसाब से। जिसका ज़मीन ज़्यादा होगा उनको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, जिनका ज़मीन कम होगा उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए जो पेपर्स वगैरह होते हैं, जो कागजात होते हैं घर के या ज़मीन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए। तो इसीलिए DM को काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है कागजात को जुटाने के लिए कि किसका कितना ज़मीन है, जिसकी वजह से वो क्या कर सके, टैक्स दे पाए। ठीक है, कह रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू आते हैं और यानी कि जो टैक्सेस आते हैं किसानों से, उसको मेंटेन करना, ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। किसके लिए, DM के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट को जवाब दे सके कि इतना रेवेन्यू आया है और आप इसे काम करिए। ठीक है, इस तरीके से जो मतलब लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसे ज़रूरी हो जाते हैं DM के लिए। हमारे ठीक है, हम तो खेती करेंगे, इन्हें कागजा रहे ना रहे, बस ज़मीन अपना रहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को, पुलिस को और स्टेशन को, यानी कि तहसीलदार को ये रहना बहुत ज़रूरी है कि उनको सबको पता होना चाहिए कि इनके पास इतना ज़मीन है, ताकि उस हिसाब से क्या कर सकें, टैक्स ले सकें। इन्हीं सब टैक्सेस को क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, ऑफिसर को तैनात किया जाता है, जिसे हम तहसील कहते हैं, तालुका कहते हैं। जैसे कि द रेवेन्यू ऑफिसर एट द तहसील लेवल इज नोन एज तहसीलदार, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सब काम करता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करता है, कागज़ जुटाता है, यानी कि ज़मीन के पेपर जुटाता है, उसको क्या कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन बनता है, पूछेगा तहसीलदार क्या होते हैं, द रेवेन्यू ऑफिसर, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर मतलब कि जो टैक्स को कलेक्ट करता है, जो तहसील लेवल पे होता है, यानी कि तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसको तहसीलदार कहते हैं। ठीक है, अब आता है पटवारी। पटवारी क्या होते हैं, पटवारी कलेक्ट रेवेन्यू इन विलेजेस। देखिए, डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता है, तहसीलदार, और गाँव में पटवारी। ठीक है, तो पटवारी को लोग गाँव में टैक्स देते हैं। तो एक अरा पटवारी कलेक्ट रेवेन्यू इन विलेजेस कानूगो इन पैरागनास एंड तहसीलदार इन तहसील। तो ये तीन ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है हर साल। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए फिर से सुन लीजिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रेवेन्यू को यानी को टैक्स को कंप्लीट लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तहसीलदार होते हैं, गांव में पटवारी होते हैं, ठीक है, कानूनगो भी होते हैं, कहाँ पर, पारगनाज में। पारगना एक तरह का जगह होता है जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, तो कानूनगो वहाँ पे टैक्स कंप्लीट करते हैं, और तहसीलदार तहसील में यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये तीन ऐसे ऑफिसर होते हैं जो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। फिर आता है तहसीलदार आर असिस्टेड बाय द नैब तहसीलदार, जो तहसीलदार होते हैं उनके पास एक मतलब नैब यानी कि उनके नीचे वाला जो ऑफिसर रहता है, जिसको नैब तहसीलदार कहते हैं। जैसे होता है ना इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, यानी कि SI सब SI। ठीक है, तो SI के नीचे वाला क्या होता है, सब SI होता है। उसी सेम तरीके से इनके पास भी तहसीलदार होता है, जो इस काम को करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे जाके, यानी कि अलग अलग जगह पे जाके। द हेड आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि DM एंड अंडर हिम आर द रेवेन्यू ऑफिसर नोन एज तहसीलदार, यानी कि जितने भी ये लोग हैं तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार, ये सारे किसके अंडर में काम करते हैं, DM के। ठीक है, DM कहता है कि जो महीना पूरा हो चुका है, जाइए टैक्स को कलेक्ट करिए। तो ये लोग अपनी अपनी जगह पर जाते हैं और टैक्स को कलेक्ट करते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ तहसीलदार, यानी कि तहसीलदार का काम क्या होता है। तो अभी मैंने बताया, अब उसको पॉइंट में देखिए। तो जो तहसीलदार होते हैं
वो क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं किस काम को, पटवारी के काम को, यानी जो पटवारी जो गांव में टैक्स को कलेक्ट करते हैं उनको भी सुपरवाइज करते हैं, और अपने जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उनको भी जो होते हैं ना नैब तहसीलदार जो इनके नीचे वाले होते हैं उनको लोग नैब तहसीलदार को और पटवारी को क्या करते हैं सुपरवाइज, यानी कि देखते रहते हैं कि कहीं जो पैसा जो आ रहा है जो कलेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा खुद ही खा रहे हैं, इन सबको देखना पड़ता है किसको, तहसीलदार को। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्क ऑफ पटवारी एंड इंश्योर द रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली, यानी जो रिकॉर्ड है जो पटवारी टैक्स कलेक्ट कर रहा है गाँव से वो सही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये खुद ही खा जा रहा है, तो इस तरह से देखना पड़ता है तहसीलदार को, ये पहला काम है। दूसरा काम है ही और सी हियर द लैंड डिस्प्यूट, यानी कि जो जमीन को लेकर झगड़े होते हैं उसको सुनना पड़ता है और उसका निवारण करना पड़ता है किसको, तहसीलदार को। जैसे गांव में क्या होता है कि जमीन को लेकर कई सारे झगड़े होते हैं, एक दूसरे को लोग जान भी ले लेते हैं छोटे से जमीन के लिए, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है किसको, तहसीलदार को। ठीक है, तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या है, ही और सी का मतलब है कि हो सकता है पुरुष भी हो तहसीलदार और या महिला भी तहसीलदार हो सकती है, इसीलिए ही और सी लिखा रहता है। मेक श्योर दैट द फार्मर कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब तहसीलदार का ये काम होता है कि ये देखना है कि जो किसान है अपने जमीन का कागज़ अपने पास रखे हैं कि नहीं, यानी कागज का फोटो कॉपी, ठीक है, रखे हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है यानी कि किस जात की है वो लोग, वो भी देखना जरूरी होता है कि उस स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी के पास उसका फोटो कॉपी है कि नहीं। ठीक है, ये सब काम होता है तहसीलदार का, ये तीन काम है, अगर आता है एग्जाम में तो लिखिएगा। ठीक है, हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है द ऑफिस ऑफ अ पटवारी मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, यानी कि जो पटवारी होते हैं जो गांव में जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, अब उसका देखते हैं कि वो कैसे लैंड रिकॉर्ड को रखते हैं। तो पटवारी मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्ट रेवेन्यू एट द विलेज लेवल, वही मैंने कहा कि जो पटवारी होते हैं वो गाँव के लेवल पे टैक्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब हर एक गाँव में एक पटवारी होता है जो जाके किसानों से क्या लेता है, टैक्स को लेता है। तो वही कह रहा है कि ये गाँव में जाकर लैंड रिकॉर्ड को रखते हैं और टैक्स लेते हैं कि जिसके पास जितनी जमीन होगी वो उतना टैक्स देगा। He is also known as the लेखपाल, उसको नेखपाल भी कहा जाता है, पटवारी को नेखपाल भी कहा जाता है। जिस नए गांव में होते हैं लेखपाल होते हैं ना आपके गांव में, जिसकी वजह से ही आपको मतलब टैक्स देना पड़ता है और कई सारे कागज़ भी लेखपाल यानी कि पटवारी बनाते हैं, तो लेखपाल पटवारी दोनों सेम होते हैं। कर्मचारी और विलेज ऑफिसर ईच पटवारी इज फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, मतलब कि हर एक चार पाँच गाँव मिलकर एक पटवारी संभालता है, यानी कि कौन संभालता है, लेखपाल। ठीक है, जैसे आपका गाँव हुआ, आपके अगल बगल गाँव जो हो गए उन सबको टैक्स कलेक्ट कौन करता है, पटवारी यानी कि लेखपाल करता है। ठीक है, लेखपाल। ठीक है, अब इसका काम देखते हैं कि ये क्या कौन से काम करता है, पटवारी यानी कि लेखपाल कौन से काम करता है। तो पहला काम इसका आता है मेजरिंग लैंड, यानी कि जिसका जो जमीन है उसको नापना, कि जिसे मान लेते हैं कि एक किसान है उसका जमीन एक एकड़ है, ठीक है, या एक मंडा है, तो पटवारी का काम होता है कि गाँव में जाकर देखना कि जमीन उसका उतना है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बता रहा है एक एकड़ है और किसान के पास दो एकड़ खेत है और टैक्स भी कम दे रहा है, तो इस वजह से पटवारी को जाकर मेजर करना पड़ता है जमीन को कि इतना है कि नहीं। कीपिंग लैंड रिकॉर्ड आर इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ पटवारी, यानी कि जमीन को नापने के बाद उसका लैंड रिकॉर्ड यानी कि जमीन का रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये वाला पार्ट, यानी कि लैंड रिकॉर्ड को रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे कामों से। तो ये जरूर लिखिएगा कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड आर इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ पटवारी, यानी कि लेखपाल का ये मेन ड्यूटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट कहता है जो पटवारी होते हैं जो लेखपाल होते हैं वो मेंटेन करते हैं क्या और अपडेट्स करते हैं लैंड रिकॉर्ड को, जिससे गांव के जो ज़मीन होते हैं वो सेटेलाइट से लिए जाते हैं या नापे जाते हैं, उसके बाद से उसको एक मैप में तैयार किया जाता है कि ये ज़मीन इसका है, उससे पता चलता है कि कौन सा ज़मीन आपका है, उसे हम क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं या खाता नंबर कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कीप्स द मैप, जैसे वो क्या करता है मैप रखता है, एक मैप रखता है गाँव का जिसमें सबका ज़मीन रहता है, जो लोग उस गाँव में रहते हैं उन सबका ज़मीन उस मैप में रहता है, तो उसे खसरा कहते हैं, क्या कहते हैं, खसरा। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द विलेज मैप, मतलब उस विलेज के मैप से उस यानी कि उस खसरा से, इस तरह का खसरा होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एक मैप की तरह होता है, उसमें हर एक गांव के किसान का खेत होता है, तो उससे पता चलता है कि कौन सा खेत किसका है और कितना बड़ा है, कितना साइज में है, इस तरीके से पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। तो आप खसरा से जान सकते हैं कि मेरा जो ज़मीन है कहाँ कहाँ पर है, तो सारा रिकॉर्ड किसके पास रहता है, पटवारी देता है तहसीलदार को, तहसील देता है किसको, डीएम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो पटवारी होते हैं वो एक लंबा चेन इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड को, यानी कि जो खेत होते हैं किसानों के उसको नापने के लिए पटवारी एक बहुत बड़ा सा चेन इस्तेमाल करते हैं लंबा सा, तो क्या करते हैं ये कंपेयर करते हैं मेजरमेंट को, यानी कि उस फील्ड को नापते हैं और उस मैप को देखते हैं, जिसे खसरा हम लोग कह रहे थे, उस खसरा में देखते हैं कि कितना ज़मीन है, उस मैप यानी कि उस ज़मीन को नापते हैं, अगर दोनों मैच नहीं करते हैं पटवारी को ये पता चल जाता है कि जमीन क्या हुआ है, चेंज हुआ है यानी कि बढ़ा चुका है। ठीक है, तो फिर से वो क्या करता है, सही करता है। इफ यहाँ पर लिखा है
ही कंपेयर द मेजरमेंट डन इन द फील्ड विद द मेजरमेंट ऑफ मैप, यानी कि जो जिस खेत को नापा है उस नापने के बाद वो किसे मेजरमेंट करेगा, उस खसरा नंबर से, उस मैप से। यदि वो मैच नहीं करते हैं तो फिर क्या करेगा, उसको पता चल जाता है कि ये खेत है चेंज हो चुका है, यानी कि एक मंडा से डेढ़ मंडा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से खसरा का एग्जांपल दिया है। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पतवारी विलेज लखीमपुर, लखीमपुर एक गांव है, ठीक है, वहां पर एक डेटा दिया गया है। तो इस तरीके से दिया गया, जैसे एरिया है 0.5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, और नेम ऑफ ओनर फादर और हस्बैंड नेम, मतलब इन लोगों का ये ज़मीन है, जैसे कि आलम सन ऑफ उस्मान, ठीक है, सन ऑफ अवध, बिहार गवर्नमेंट ग्रास है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आप चाहें तो अपना नाम बताकर अपना ज़मीन दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका ज़मीन है, कितना ज़मीन है, उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। ठीक है, और इस तरीके से जो मैप है इस तरीके से बनाया जाता है, देखिए ना, मैप ऑफ विलेज लखीमपुर पतवारी रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से पतवारी का रिकॉर्ड रहता है जो काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, जो हर तरह का साइन होता है, ये होता है साइन बाउंड्री का, ये होता है वेल का, ये होता है ग्रास का, मतलब कि जहाँ पर घास वगैरह होते हैं, ये होते हैं कच्चे रोड, जो डॉट डॉट होते हैं वो होते हैं कच्चे रोड, और जो लाइन लाइन होता है वो होता है कच्चा रोड, और जो डॉट डॉट होता है पक्का रोड, और पेड़ को इससे रिलेट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका ज़मीन कितना है। जैसे अभी यहाँ पर एग्जाम्पल था और यहाँ पर ज़मीन था, ठीक है, जो पहले का था उसका पहला इतना खेत है, दूसरे का इतना खेत है, तीसरे का इतना ज़्यादा खेत है, और चौथे का इतना खेत है। इस वजह से, मतलब इस मैप के हिसाब से लोग क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स को पे करते हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट, जो अगला पॉइंट है पतवारी का और क्या काम करता है। ही और सी कलेक्ट रन रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर, किसानों से टैक्स लेता है उनकी ज़मीन के आधार पर, ठीक है, जितना ज़मीन उतना टैक्स। ही और सी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया, जो है गवर्नमेंट को, यानी कि डीएम को बता, डीएम गवर्नमेंट को बताता है, और ये गवर्नमेंट को बताता है, कौन, पतवारी। पतवारी किसको बताता है, डीएम को, कि इस जगह पे इतना क्रॉप हुए हैं, ठीक है, इस जगह पे इतना फसल हुआ है, उसकी वजह से उतना टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट करता है, और क्या करता है पतवारी, देखिए कह रहा है कि वो हर जगह पर आँख अपनी गड़ाए रखता है कि कहीं किसान जो है उस खेत में और कुछ तो नहीं उगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उगा के फिर पता चल रहा है, रख लेना पता भी नहीं चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, खेत में अपने कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है, किसको, पतवारी को। पतवारी किसको बताता है, फिर जाके तहसीलदार को, तहसीलदार बताता है किसको, डीएम को। इस तरीके से पतवारी का काम होता है गांव में। एक यहाँ पर डू यू नो करके दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि अभी हमने जस्ट देखा कि पतवारी के जैसे के पास ज़मीन को जो कागजात होते हैं, वही कागजात के फोटोकॉपी किसके पास होते हैं, किसानों के पास। तो देखिए, अगर किसान को अपनी ज़मीन को अपने बेटों के नाम करना पड़ता है, जैसे करना होता है, तो वो तहसीलदार के पास जाता है या पतवारी के पास जाता है और कहता है कि हमें इस ज़मीन को बटना है अपने बेटों के नाम पे, तो वो यहाँ पे चढ़ाते हैं। तो आपके भी पेपर जो रहता है, किसान का जो पेपर, उस पर भी चढ़ता है, यानी कि अपडेट होता है, और जो तहसीलदार के पास पेपर होते हैं उस पर भी वो चढ़ता है, यानी कि अपडेट होता है। या कह रहा है कि यदि किसान को अपना ज़मीन बेचना या ख़रीदना होता है, तो भी किसके पास जाता है, पतवारी के पास, कि मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ या मैं ज़मीन बेच रहा हूँ, आप इस मैप में, यानी खसरा में अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से ये होता है काम। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और द इनहेरियंस लॉ, या 2005 में इसको लाया गया था। ये क्या होता है, देखिए इसका पहले मतलब जाने, कोई भी टॉपिक आता है तो उसका हिंदी समझिए, उसका जब हिंदी समझ लेंगे वो टॉपिक क्या चाहता है, आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हैं। और SST में नंबर ऐसे ही मिलते हैं तीनों सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे जियोग्राफी हो, ठीक है। तो उसका मतलब देखा करिए, हिंदू यानी कि जैसे हिंदू होते हैं, यानी कि मुस्लिम अगर से, सक्सेशन होता है उत्तराधिकार, ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, यानी कि मतलब उसमें कुछ एडिट करना, ठीक है, यानी कि कुछ बदलाव करना। जैसे क्या होता था पहले, हिंदू जैसे जो हिंदू थे वो क्या होता था, अभी पढ़ते हैं पूरा जानेंगे। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज अमेंडेड वर्जन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसको कब लाया गया था, जैसे 1956 में एक एक्ट आया था हिंदू सक्सेशन करके, फिर इसको 2005 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, देखते हैं। द न्यू एक्ट रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस एक्ट, यानी कि जो पुराने एक्ट थे, यानी कि जो 1956 में इसको लाया गया था, ये जेंडर के आधार पे क्या करता, डिस्क्रिमिनेट करता था, यानी कि लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करता था। इसे कहता था ना हिंदू तो मुस्लिम सिख ईसाई, तो गांव में यही लोग होते हैं ना, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, कुछ गरीब लोग होते हैं, या नहीं कि लोअर कास्ट के लोग होते हैं, तो उनके बीच में ये जातिवाद फैलाता था, कौन, ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट। इसको 2005 में क्या किया गया, कैंसिल कर किया गया, ठीक है। अर्लियर हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर ऑफ हिज फैमिली, यानी पहले जो था, जो औरतें होती थी गाँव में या कहीं भी, उनको उस ज़मीन का हिस्सा नहीं माना जाता था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक किसान है, किसान के पास 2 लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, उसके पास कितना, 6 एकड़ खेत है, तो 6 एकड़ खेत किसका होता था, लड़के का होता था, लड़की का एक पैसा भी नहीं दिया जाता था, बस उसको शादी करके भेज दिया जाता था। ये पहले था, लेकिन इस एक्ट को ख़त्म करने के बाद, ठीक है, 2005 में ख़त्म करने के बाद क्या हुआ, अब उसको चेंज कर दिया कि मतलब लड़की का भी
उस जमीन को हिस्सा बनाया जा सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन, यानी कि उस किसान के लड़के, उस किसान को मरने के बाद जो उसका 6 एकड़ जमीन है दोनों लड़कों में, यानी कि लड़कों में 3 एकड़ लड़कों को मिलेगा, 3 एकड़ लड़कियों को मिलेगा। इस तरीके से डिवाइड हो गया 2005 के बाद, ठीक है। सो वुमेन लिव्ड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, यानी कि उसके बाद औरतों को आर्थिक रूप से इनसिक्योरिटी खत्म हो गया, यानी कि उनको मतलब जो डर था प्रॉपर्टी को लेकर वो खत्म हो गया। इसके लिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जेंडर को लेकर ये एक्ट था, यानी कि क्या था, संशोधन था, एडिट किए थे लोग ताकि औरतों को भी अधिकार मिल सके, ठीक है, ये था। नेक्स्ट टॉपिक है द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 का मीन टू फोर्स ऑफ 9 सितंबर 2005। दिस एक्ट गिव द फॉलोइंग राइट्स एंड डॉक्टर अर्थ 16, यानी कि इसको एक्ट के आने के बाद मतलब जो पुराना एक्ट था उसको कैंसिल करने के बाद जो नया एक्ट आया ये काफ़ी मददगार हुआ, किसके लिए, औरतों के लिए और उनके बच्चियों के लिए, ताकि जो ज़मीनें हैं उनको भी मिल सके और उनको बच्चों को भी मिल सके, ना कि बस लड़कों को मिले, ठीक है। इसमें से कुछ पॉइंट है देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है इस एक्ट को आने के बाद, यानी कि द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आने के बाद क्या हुआ, बेटा बेटी और उसकी मदर को इक्वल शेयर मिल सकते थे लैंड का, जैसे 6 एकड़ खेत है तो तीनों को 2-2 एकड़ मिल जाएंगे तीनों लोगों को। इस तरीके से जो लॉ हुआ हर स्टेट में, हर राज्य में फॉलो किया गया और हर यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि 8 यानी 9 टेरिटरीज में फॉलो किया गया इस लॉ को, कि जो ज़मीन है सबको इक्वली मिलेगा, उस फैमिली को सबको इक्वली मिलेगा, ऐसा नहीं कि बस एक लड़कों को मिलेगा, ठीक है। और डॉटर हैज़ द सेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ सन, कह रहा है कि जो बेटी थी मतलब उस घर की जो बेटी थी उसका यह हक उतना है जितना कि लड़के का है, ठीक है, उस ज़मीन पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट ये भी वही कह रहा है कि बेटी जो होती थी उसके पास भी फैमिली प्रॉपर्टी का उतना ही हक था जितना कि लड़के का था। जैसे लड़के का मान लो 3 एकड़ है तो लड़के का भी क्या होगा, 3 एकड़ होगा, जिसकी वजह से लड़के को काफ़ी सिक्योरिटी महसूस होती थी कि अगर कुछ को उसको हो गया तो उसको भी मतलब पैसा मिलेगा, यानी कि ज़मीन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर वही पॉइंट कह रहा है, कह रहा है कि जो डॉटर है शादी करने के बाद, या जिसे लड़की की शादी हो या ना हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शादी होने के बाद भी ज़मीन उसको मिलेगा और ना हो तब भी उसको ज़मीन मिल सकता है, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी। कह रहा है कभी कभी क्या होता है, जो औरतें शादी कर लेती हैं उनके हस्बैंड को मतलब डेथ हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो उन्हीं को विडो कहते हैं, विडो यानी कि विधवा औरत जिनके जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि वो भी क्लेम कर सकती हैं, यानी कि पा सकती हैं अपने पति के ज़मीन को। जैसे क्या होता है कि लड़कों का ज़मीन है, ठीक है, लड़की और लड़की था, लड़की अपने 3 एकड़ ले गई और लड़का को 3 एकड़ मिला, तो लड़का जब इसे मर गया उसका जो वाइफ होगी वो भी अपने हस्बैंड के ज़मीन को पा सकती है रीमैरिड करके, ठीक है। इस तरीके से विडो मतलब विधवा औरत भी अपने पति के ज़मीन को हकदार होती हैं। नेक्स्ट आता है, अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन इंडिया बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ, मतलब इस तरीके से जो नया लॉ आया था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, इससे काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फ़ायदा पहुँचा था औरतों को। जैसे कि देखते हैं, दिस एक्ट इम्पावर वुमेन, इट इंक्रीज वुमेन लिवलीहुड ऑप्शन, यानी कि ये जो एक्ट आया 2005 में काफ़ी ज़्यादा इम्पावर किया, यानी कि साहस दिया औरतों को और ये औरतों को मतलब उनके मनोबल को बढ़ाया। कौन, ये 2005 वाला एक्ट हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट, ये फीमेल फुटसाइड को भी रोका। फीमेल फुटसाइड क्या होता है, मैंने बताया था कि जो लोग गर्भवती होती है पैसा न होने की वजह से बच्चे को गिरा देती है, यानी कि बच्चे को मार देती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इलीगल था पहले और अभी भी इलीगल और ज़्यादा माना गया है, क्योंकि क्या होता था कि पहले के लोगों को औरतों के पास पैसा नहीं रहता था तो वो लोग बच्चे को गिरा देते थे कि वो कैसे पालेंगे। लेकिन अब क्या होता है, इस लॉ के आने के बाद औरतों को भी पूरा हक दिया जाता है कि आपका भी ज़मीन आपको मिल सकता है, जिसकी वजह से ये फोर्टिसाइड भी क्या हुआ, कम हो गया, कंट्रोल में आ गया, यानी कि बच्चे कम गिराने लगे। इट रिड्यूसेस डोमेस्टिक वायलेंस, जो घर डोमेस्टिक यानी कि जो घरों में झगड़े होते थे ज़मीन को लेकर, ये भी कम हो गए, क्योंकि सबको इक्वली मिलने लगा कि आपको भी 3 एकड़ मिलेगा, आपको भी 3 एकड़ मिलेगा, तो झगड़े होने ही बंद हो गए। ये एक तरह से फ़ायदा हुआ इस एक्ट के आने के बाद। इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी कि पढ़ाई और उनका यानी हेल्थ, यानी कि जो उनका शारीरिक क्या बोलते हैं मेडिकल जो होता है वो भी अच्छा सुधारने लगा। एजुकेशन यानी कि उनको पढ़ाई जाने के लिए, जैसे पढ़ाए जाने के लिए पैसा मिलने लगा, ठीक है, उनके पास ज़मीन होता था, अगर उनको कोई पढ़ा नहीं रहा है तो चाहे तो अपनी ज़मीन बेचकर पढ़ सकती है, तो ये उनको मतलब पहले नहीं था, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। आप भी जानते होंगे, आपके पिताजी या जो भी दादा नाना होंगे पूछिएगा कि पहले लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी, उनको नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन ये इस एक्ट के आने के बाद लड़कियाँ और लड़की सबके समान हो गए और दोनों क्या हुए, पढ़ने लगे। कह रहा है इस एक्ट के आने के बाद वुमेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, यानी कि मतलब खुद पे विश्वास हो सकता है, हो गया कि वो भी कुछ कर सकती है समाज में लड़कों की तरह, ठीक है। एक तरह से क्या हुआ, लड़कों को प्रोत्साहन मिला और लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन मिला कि आप भी ये काम कर सकती हैं। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर औरतों को कुछ भी होता है
फ्यूचर में कभी भी कुछ उसको बीमारी होती है या कुछ भी होता है तो वो कैसे क्या कर सकती है, अपने पूरे का पूरा प्रॉब्लम किसके डिपेंड कर सकती है, अपने शेयर ऑफ लैंड पे, जो उसको जमीन मिला है उस जमीन को बेच कर अपना इलाज करवा सकती है। क्योंकि ये अमेंडमेंट एक्ट आ चुका था और हर लड़की को हर औरत को अपना हिस्सा मिल चुका था, ठीक है, नहीं मिलता था वो चाहे तो कंप्लेन, जिससे ये क्या होता तभी तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, सबको अपना ज़मीन मिल रहा था। अगर ये मतलब 2005 के बाद जो किसान था अगर वो और अपनी लड़की को या अपनी बहू को ज़मीन नहीं देता था तो वो ज़मीन जो थी उसको लेकर जो लड़की या वाइफ थी वो जाकर कंप्लेन कर सकती थी और कंप्लेन में उसको देना पड़ेगा, यानी कि पुलिस जो है उसके लिए लड़की के लिए या उस औरत के लिए क्या होगी लड़ेगी। तो इस तरीके से जो एक्ट आया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था वुमेन के लिए, ठीक है। ये था चैप्टर आज का, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।